दोस्तों बिहार विधानसभा में हुई मारपीट के खिलाफ आज आरजेडी ने भारत बंद का आह्वान किया है। स्पीकर ने गृह सचिव और डीजीआई से रिपोर्ट भी मांगी है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से सामने आ रही है। दोस्तों अश्लीलता की हदें पार कर रहे थे दो IAS, डांसर को ले रहे थे चुम्मा और वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें किसानों ने फिर बंद किया गाजीपुर बॉर्डर, हुक्का पानी लेकर रास्ते पर बैठे हैं। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से, लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों बड़ी खबर जो कि बिहार विधानसभा से सामने आई है। दोस्तों बिहार विधानसभा में हुई मारपीट के खिलाफ आज आरजेडी ने भारत बंद का आह्वान किया है और स्पीकर ने गृह सचिव और DGI से रिपोर्ट भी मांगी है। दोस्तों बिहार की राष्ट्रीय जनता दल RJD ने आज राज्य में भारत बंद का आह्वान किया है। RJD विधायकों की पिटाई के खिलाफ इस बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। दोस्तों बिहार विधानसभा में अपने विधायकों के खिलाफ पिटाई के मामले में RJD हल्ला बोलने की तैयारी में लगा हुआ है, इसीलिए RJD ने आज बिहार बंद बुलाया है। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 26 तारीख को किसानों का मुद्दा तो ही है। दोस्तों इसके साथ ही हम सभी ने बेरोजगारी और विधायकों के साथ मारपीट को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया, वे मैं भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों कुछ महीने पहले सत्ता के करीब आकर कुर्सी से दूर रहने वाली RJD इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाना चाहती है। दोस्तों तेजस्वी ने ट्वीट कर सभी बिहारवासियों को इस बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इसी बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने गृह सचिव और DGI से विधायक पिटाई मामले में रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों बिहार विधानसभा में मंगलवार को अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब विपक्षी दलों ने सदस्यों ने अध्यक्ष को उनके कक्ष में रोक दिया गया। दोस्तों बाद में सुरक्षा कर्मियों द्वारा इन विधायकों को पीटा गया, इसके बाद भी हंगामा होता रहा। विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधायकों के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। दोस्तों इसी दौरान विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर रहे थे और अपने पक्ष में बैठे थे, दोस्तों तभी विपक्ष दल के सदस्य उनके कक्ष में सामने धरने पर बैठ गए। 4:30 बजे जब ये कार्यवाही प्रबंध करने के लिए जाने की कोशिश की तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। 200 मार्शलों और इन विधायकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार ही नहीं थे। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, इसके बाद वे विपक्षी सदस्यों को उठा उठाकर बाहर किया गया। दोस्तों विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया है विधायकों को मारा गया और विधायकों पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा पैर चलाए गए हैं। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से सामने आई है, अश्लीलता की हदें पार कर रहे थे दो IAS, डांसर को ले रहे थे चुम्मा, वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों वर्दी की ताकत समाज की बेहतरी और आम लोगों की भलाई के लिए दे दी गई है, लेकिन विकृत मानसिकता वाले इस ताकत का गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। ऐसे ही लोगों ने वर्दी की बदनामी होती है। साधारण जिले के दो खाकी वालों ने अपने कुकर्म से वर्दी को कलंकित किया है। दोस्तों IPS ने मामला संज्ञान में आते ही तत्काल दोनों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इन दोनों पुलिस वालों का जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक यह कार्रवाई नाकाफी ही कही जाएगी। दरअसल साधारण जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें बिहार पुलिस के दो IAS एक ही महिला के साथ अश्लीलता हदे हरकतें और डांस करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो में देख रहे लोग वे नशे में धुत लग रहे हैं। साधारण जिले के कोपा थाने के दो सहायक अवर निरक्षर नर्तकी के साथ ठुमका लगाने लगे थे। दोस्तों नर्तकी के साथ नाचते और नोट उड़ाते वीडियो वायरल, SP ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया उसमें कोपा थाना में पदस्थापित रहे सहायक अवर निरक्षर सुनील ठाकुर और बेचैन सिंह शामिल हैं। दोस्तों वर्तमान में दीवघारा थाना में पदस्थापित भी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिस अधिकारियों कोपा थाने क्षेत्र में एक आर्केस्ट्रा संचालक के घर मस्ती करने गए थे। दोस्तों आर्केस्ट्रा संचालक के कमरे की पहचान कर ली गई,
बताया गया है कि वीडियो वायरल में दिख रहे सहायक अवर निरीक्षक सुनील ठाकुर और अक्सर शराब धंधेबाजों के संग आरएक्स्ट्रा संचालक के घर पर प्राइवेट कंपनी में यानी पार्टी में शामिल होते ही थे। दोस्तों इनके साथ ही बेचैन सिंह भी शामिल रहे और इसी दौरान किसी शागिर्दी ने दोनों का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। दोस्तों एसपी संतोष कुमार ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों की वीडियो की जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों एसपी ने बताया कि अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है और आम जनता के द्वारा उसका सबूत पेश किए जाने पर गलत कार्य में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, किसानों ने फिर बंद किया गाजीपुर बॉर्डर, हुक्का पानी लेकर रास्ते पर बैठ गए हैं। दोस्तों केंद्र सरकार की तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर खुले रास्तों को बंद कर दिया। इस रास्ते को ट्रैफिक के लिहाजा से पुलिस ने खोल दिया था। ये रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ता है। सुबह 6 बजे से ही किसान इस रास्ते को बंद कर हुक्का पानी लेकर बैठ गए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार उनके बात नहीं सुन रही, सरकार के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद हैं। दोस्तों दूसरी तरफ तमाम व्यापारिक संगठनों ने साफ कर दिया कि वह किसानों के मुद्दों का समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन वह बंद में साथ नहीं देंगे। दोस्तों किसान संगठनों ने भारत बंद में पहले व्यापारी संगठनों के भी शामिल होने की बात कही थी, लेकिन व्यापारी संगठन ने साफ कर दिया कि वह किसानों के भारत बंद में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि 26 मार्च को भारत बंद को लेकर दिल्ली के व्यापारियों से चर्चा करके हमने सभी का फीडबैक लिया था। अधिकांश व्यापारियों ने कहा है कि वे किसानों के मुद्दे का समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, किसानों को राहत देनी चाहिए। लेकिन जहां तक बाजारों को बंद करने का सवाल है तो 98% व्यापारियों का कहना था कि एक दिन दुकान बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कोरोना के कारण पहले ही व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों 26 मार्च को दिल्ली में चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, चामंडी बाजार और कश्मीरी गेट, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, लक्ष्मी नगर, गांधीपुर नगर, कमला नगर, नेहरू प्लेस, साउथ एक्स, रोड़िया, पीतमपुर आदि सभी प्रमुख बाजारों में दिल्ली के तमाम छोटे बाजार खुले रहेंगे। इसके साथ ही 28 औद्योगिक क्षेत्रों में सभी फैक्ट्रियां भी खुली रहेंगी। गौरतलब है कि 26 फरवरी को एक व्यापारी संगठन ने जीटीआई के प्रावधानों के खिलाफ भारत बंद बुलाया था।